हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे वृंदावनी सारंग की एक बहुत सी बढ़िया सी बंदिश की। राग वृंदावनी सारंग जो कि मैं 3-4 बंदिशें पहले दे चुका हूं, ये 3 ताल में एक बहुत ही बढ़िया बंदिश है, शब्दों के साथ है। मैं गाकर और बजाकर आपको एक एक लाइन सिखाऊंगा। पहले हम वृंदावनी सारंग राग का परिचय देख लेते हैं कि राग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले एक दोहा है, वर्ज्य करे दैवत गंधार गावत काफी अंग, वर्ज्य करे दैवत गंधार गावत काफी अंग, दो निषाद रेप संवाद है वृंदावनी सारंग। तो जैसा कि इस दोहा में बताया गया है, ये काफी थाट जन्य राग है। कुछ लोग इसे खमाज थाट का मानते हैं क्योंकि सिर्फ नी कोमल आता है, काफी थाट में ग नी दोनों कोमल आते हैं, लेकिन क्योंकि इस राग में ग सिर्फ वर्जित ही है और इस राग का जो चलन है काफी से ज्यादा मिलता जुलता है, तो इसको काफी राग में लोग मानते हैं। कुछ लोग विवाद करके इसको खमाज राग में भी मानते हैं। इसकी जाति ओडव ओडव है, आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 5 स्वर, आरोह अवरोह दोनों में 2 स्वर वर्जित है, वो है ग और द। ग और द लिए ही नहीं जाते हैं इस राग में, और नी दोनों लिए जाते हैं, शुद्ध नी और कोमल नी। आरोह में शुद्ध नी लगेगा, अवरोह में कोमल नी लगेगा। इसके वादी संवादी है रे और प, वादी रे संवादी प, न्यास के स्वर है सा रे और प। ये जब भी आप कहीं सुने कि राग सारंग है तो अपने आप वृंदावनी सारंग ही माना जाता है, क्योंकि वृंदावनी सारंग ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो सारंग के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सिर्फ सारंग यानी वृंदावनी सारंग, और वृंदावनी सारंग यानी सारंग। तो इसके आरोह अवरोह देख लेते हैं। से भी शुरू करते हैं, नी सा रे म प नी सा, सा नी प म रे नी सा, पकड़। अब इसकी बंदिश 3 ताल में देखते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आलाप भी सुन लीजिए वृंदावन सारंग में, ताकि एक माहौल बन जाए।
तो ये था राग वृंदावनी का आलाप। अभी हम ताल तीन ताल जो कि 16 मात्रा का है उसमें 140 बीट्स पर मिनट की स्पीड में ये वृंदावनी सारंग की बंदिश बजाएंगे। स्वर होगा काली पांच यानी ए शार्प। पहले मैं बांसुरी पे बजा के देख लेता हूँ, बाद में इसके शब्द और नोटेशन भी सुना देता हूँ, फिर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। Thank you.
ये बंदिश नौवीं मात्रा से ऑफ बीट में शुरू होती है, यानी दसवीं मात्रा से शुरू होती है। नौवीं मात्रा जाने देने की, बाद में दसवीं मात्रा से लगे हाथ स्वरों में और शब्दों में गाय लेते हैं ताल के साथ। सानी पमरे नी सारे रे मनी पमरे सानी पमरे नी सारे रे मनी पमरे बादल बरस रहे छम छम छन नन छम बादल बरस रहे छम छम छन नन छम सानी पमरे बंदिश नौवीं मात्रा से ऑफ बीट में शुरू होती है, यानी दसवीं मात्रा से शुरू होती है। नौवीं मात्रा जाने देने की, बाद में दसवीं मात्रा से। तो एक एक लाइन इसकी शुरू करते हैं। स्वर काली पांच है और 140 बीपीएम की स्पीड में हमने बजाया तीन ताल में, लेकिन अभी बिना ताल के आपको स्लोली स्लोली एक एक लाइन कुछ तान के साथ समझाते हैं। सानी पमरे नी सारे रे म पनी पमरे सानी पमरे नी सारे, ये रे पे सम है। बादल बरस रहे छम छम छन नन छम बादल बरस रहे छम छम छन नन छम सानी पमरे नी सारे बादल सानी प बरस रहे मरे नी सारे रे म पनी पमरे छम छम छन नन छम रे म पनी पमरे रे म, ये एक एक मात्रा में है, और पनी पम ये एक एक मात्रा में दो दो स्वर है। रे म पनी पमरे छम छम छन नन छम बादल बरस रहे छम छम छन नन छम
सा नी प म रे नी सा रे रे म प नी प म रे। अब दूसरी लाइन, बादल बरस रहे मोतिया न बूंद, बादल बरस रहे मोतिया न बूंद, बादल बरस रहे मोतिया न बूंद, सा नी प म रे नी सा नी, ये शुद्ध नी है, नी सा नी सारे नी, ये कोमल नी है, सारे नी पानी सा, ये को शुद्ध नी है, पानी सा सा नी प म रे नी सा नी सारे नी पानी सा सा नी प म रे नी सा नी सारे नी पानी सा, बादल बरस रहे मोती। नेक्स्ट लाइन, रे सा म रे प म नी प नी बिजूरी चमके, बिजूरी चमके, रे सा म रे प म नी प नी, पहला नी कोमल दूसरा नी शुद्ध, नी प नी, फिर एक तान जैसा है, सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, फिर से सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, ये तान है, सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, इसकी तिहाई है। काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में बादल बरस रहे, छम छम छन नन छम, फिर से दूसरी लाइन, बिजूरी चमके, काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में बादल बरस रहे, सा नी प म रे नी सा रे। तो दूसरी लाइन स्वर में, रे सा म रे प म नी प नी सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, एक बिट जाने देने का है, सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, सारे नी सा पानी म प रे म प नी सा, सा नी प म रे नी सा रे रे म प नी प म रे, बादल बरस रहे छम छम छन नन छम। इसका अंतरा स्टार्टिंग की चार मात्रा सेम है, सा नी प, फिर म प नी नी सा म सा रे नी सा नी प म प नी नी सा म सा रे नी सा, अखियां तरस रहे पिया मिलन को, अखियां तरस रहे पिया मिलन को, सानी प म प नी नी सा म सा रे नी सा। अब दूसरी जो लाइन है उसमें पहला पिया मिलन को, ये को की जगह से ही बिरहिनी तर पे उठाना है, सारे सारे नी सा प नी म प नी, सारे सारे नी सा प नी म प नी, पहला नी शुद्ध है दूसरा नी कोमल है, सारे सारे नी सा प नी म प नी, ये नी भी शुद्ध है तीसरा वाला, फिर वही तान है जो पहले स्थाई में थी, सारे नी सा प नी म प रे म प नी सा, तो ये जो है सारे सारे नी सा प नी म प नी, बेरा बिरहिनी तर पे, बिरहिनी तर पे म प नी तर पे, क
काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में बादल बरस रहे। छम छम छन नन छम सानी पम रे नी सारे रे म पनी पम रे। अंतरे की दूसरी लाइन फिर से। अखियां तरस रही पिया मिलन को, अखियां तरस रही सानी पम परी निसान साम सर निसान। अखियां तरस रही पिया मिलन बीरहीनी तरपे काली अंधियारी रातों में। किसे बीरहीनी तरपे मापनी काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में, काली अंधियारी रातों में बादल बरस रहे। चुम चुम छन नन चुम। स्थाई में अंतरा में दोनों में तिहाई है, शब्द वही है। काली अंधियारी रातों में इसकी तिहाई है, लेकिन इसके स्वर देख लीजिए फिर से। सारे निजा पानी म परे म पानी सा, सारे निजा पानी म परे म पानी सा, सारे निजा पानी म परे म पानी सा नी प म। ये अंतरे की तिहाई में रे म पानी सा नी प म, उसमें सा साथ दो बार नहीं लेना है, इसमें एक ही बार लेना है। सारे निजा पानी म परे म पानी सा नी प म रे नी सा रे रे म पानी प म रे। ये तिहाई की तान जो है स्लो स्पीड में। सारे नी सा पानी म परे म पानी सा, सारे नी सा पानी म परे म पानी सा, सारे नी सा पानी म परे म पानी सा नी प म रे नी सा रे। स्थाई में क्या था? सारे नी सा पानी म परे म पानी सा सा नी प म रे नी सा रे। स्थाई में सा दो बार लेना था लास्ट में। ओ अंतरे में सारे नी सा पानी म परे म पानी सा नी प म रे नी सा रे। तो अंतरे में जो लास्ट वाला सा है एक ही बार वहीं से सीधा मुखड़ा शुरू कर देना है। इस तरह से ये बीट का कैलकुलेशन है। तो ये सारी मैं लिख के भी आपके पास नोटेशन रख रहा हूँ, आप देख देख के समझ के सीख लेंगे। इसकी कुछ ताने हैं, मैंने ही बनाई है, सिंपल है, तो आपके सामने वो भी एक एक गा के समझा देता हूँ। आप चाहें तो तान के साथ आलाप के साथ एक पूरी प्रस्तुति इस राग में तैयार कर सकें। बहुत प्यारा और मीठा राग है, आप इसको अवश्य तैयार कीजिएगा, अच्छा ही लगेगा और तान के साथ और अच्छा लगेगा। मैं कुछ ताने बताता हूँ। सम है, सम से ही तान उठानी है, तो मुखड़ा आठ मात्रा का गाना है। सा नी प म रे नी सा रे म रे म प म रे सा रे म प नी प म रे सा सा नी प म रे नी सा रे म रे म प म रे सा रे म प नी प म रे सा सा नी प म रे नी सा। यही तान स्लो स्पीड में रे म रे म प म रे सा रे म प नी प म रे सा सा नी प म रे नी सा रे। दूसरी तान नी सा रे म प नी प म प नी सा नी प म रे सा नी सा रे म प नी प म प नी सा नी प म रे सा
सा नी प म रे नी सा नी सा रे म प नी सा नी प म रे सा सा नी प म रे नी सा नी सा रे म प नी सा नी प म रे सा ब बादल बरस र नी सा रे म प नी सा नी प म रे सा स्लो स्पीड में नी सा रे म प नी प म पनी सानी प म रे सा पनी सानी पहला नी शुद्ध दूसरा नी कोमल पनी सानी प म रे सा तीसरी तान सानी प म रे नी सा नी सा रे म प नी सा रे सा नी प नी प म रे सा नी सा रे म प नी सा रे सा नी प नी प म रे सा नेक्स्ट स्टान नंबर 4 सा नी प म रे नी सा नी सा रे नी सा रे नी सा रे म प म रे सा नी सा सा नी प म रे नी सा स्लो स्पीड में नी सा रे नी सा रे म प म रे सा नी प म रे नी सा नेक्स्ट रे म प रे म प रे म प नी प म रे सा नी प म रे नी सा रे म प रे म प रे म प नी प म रे सा नी प स्लो स्पीड में रे म प रे म प रे म प नी प म रे सा नी सा रे म प रे म प रे म प नी प म रे सा नी सा नेक्स्ट वन सा नी प म रे नी सा रे म प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा नी सा ये सपाट तान है रे म प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा नी सा बादल बादल बरस र रे म प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा नी सा बादल बरस र रे म प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा नी सा ठीक से रे म प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा नी सा बादल बरस रहे नी प म रे म प म रे म रे सा बादल बरस र रे म प नी सा नी प म रे म प म रे म रे सा सा नी प म रे नी सा रे म प नी सा नी प म रे म प म रे म रे सा रे म प नी सा नी प म रे म प म रे म रे सा रे म प नी सा नी प म रे म प म रे म रे सा बादल बरस रहे नेक्स्ट टाइम
नी प म रे सा नी सा बादल बरस रे म प म प नी प नी सा नी प म रे सा नी सा सा नी प म रे नी सा रे म प म प नी प नी सा नी प म रे सा नी सा स्लोली रे म प म प नी प नी सा नी प म रे सा नी सा रे म प म प नी प नी सा नी प म रे सा नी सा नेक्स्ट टाइम रे म प म प नि प नि सा रे म रे सा नि सा रे म प म प नि प नि सा रे म रे सा नि सा सा नि प म रे नि सा रे रे म प नि प म रे अब एक दो तिहाई वाली तान है जो कि 16 मात्रा 32 मात्रा की तान है जो कि मुखड़े से ही उठानी है जहां से मुखड़ा उठता है वहीं से पूरी लाइन 16 मात्रा की गाने के बाद ये तान उठानी है सा नी प म रे नी सा रे रे म प नी प म यहां से उठानी है सा नी प म रे नी सा रे रे म प नी प म रे म प रे म प रे म प नी प म रे सा नी सा प नी सा प नी सा प नी सा नी प म रे सा नी सा नी सा रे नी सा रे नी सा रे म रे सा नी नी सा सा नी प म रे नी सा रे रे सा नी प म रे नी सा रे रे सा नी प म रे नी सा रे रे म प नी प म रे एक बार फ्लूट पे फिर स्लो स्पीड में बता रहा हूं मरे सा
पमानी पसानी रे सा ममा रे सानी नी सा रे सानी पानी पम रे म पानी सा रे सानी पानी पम रे म पानी सा रे सानी पानी पम रे म पानी सा नी पम रे नी सा रे रे म पानी पम रे स्लो स्पीड में देखें रे सा म रे प म नी प सा नी प म रे नी सा म रे प म नी प सा नी रे सा नी प म रे सा प म नी प सा नी रे सा म म रे सा नी नी सा रे सा नी प नी प म रे म प नी सा रे सा नी प नी प म रे sa re sa ni pa ni pa ma re ma pa ni sa 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 ni pa ma re ni sa re next and last re ma pa ni pa ma re sa ni pa ma re ni sa re re ma pa ni pa ma re ma re sa re ma re sa re ma re sa ni ni sa pa ni pa ma pa ni pa ma pa ni pa ma re ma pa re ma re sa re ma re sa re ma re sa ni ni sa sa re sa ni sa re sa ni sa re sa ni pa ma re ma pa ma re ma pa ma re ma pa ma re ni sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa sa ni pa ma re ni sa re बंदिश है, प्यारी बंदिश है, आप इसको अवश्य तैयार करना। एक बात आप दिमाग में ख्याल रखना कि ये सब चीजें सीखने के लिए नहीं है, बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए है। सीखने के लिए ये 5 बार 10 बार बजा लिया आ गए, लेकिन आने के लिए नहीं है,
एक दो बार बजाने के लिए नहीं है, इसको आप 1000 बार 2000 बार 5000 बार बजाओगे तो आपके जहन में दिमाग में बैठ जाएगी परमानेंटली, फिर आप कभी भी कहीं भी बजा सकते हैं। तो इसका आप बहुत रियाज करिए, बहुत रियाज करिए, 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू करिए इसको, रोज 5-10 बार बजाते जाइए, तभी ये रियाज पक्का होगा। आप चाहें तो इतनी तान रेडीमेड है, बाकी कुछ तान आप कहीं और से ले सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। तान खुद कैसे बना सकते हैं इसका एक ट्यूटोरियल मैं कुछ समय के बाद देने वाला हूँ, आप ये देख के समझ लेंगे तो आप खुद भी तान बहुत सारी बना सकते हैं। तो बहुत सारी तान बना के इसकी 1000-2000 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत सी बढ़िया सी प्रस्तुति तैयार हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।